प्रूफ ऑफ कैपलर सेकेंड लॉ, प्रूफ ऑफ कैपलर सेकेंड लॉ में ये आपके सीबीएसई के अंदर बोर्ड जो आपका स्कूल का पेपर है इसके अंदर इसकी डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये कोई ना कोई स्कूल तो पक्का डाल लेगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कैपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये तो बिल्कुल साफ कह रहा है कि प्रूफ करो कैपलर का सेकेंड लॉ, बिल्कुल क्लियर है। और क्या है कैपलर का सेकेंड लॉ, प्रूफ दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कॉन्स्टेंट, ये प्रूफ करना है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कॉन्स्टेंट, एक ही बात है। या वो पूछेगा प्रूव दैट डी ए बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट, ये तीनों चीज़ें एक ही बता रही हैं कैपलर का सेकेंड लॉ प्रूव करना है। एक क्वेश्चन और आता है वो पहचान में नहीं आता, लोग छोड़ आते हैं कि मुझे पता ही लगा क्वेश्चन क्या था, लिखो और इसी के साथ हेडिंग में लिखो और आएगा क्वेश्चन आएगा गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये दूर दूर से पता ही नहीं लग रहा कि कैपलर के सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। सोचो किसी के स्कूल में आ जाए गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम तीन नंबर में, वो करके क्या आएगा उसको पता ही नहीं कि जब ये कैपलर का थर्ड सेकेंड लॉ प्रूव होने वाला है। तो एक्चुअल में कैपलर ने ज्योमेट्री को यूज़ करके, देखो वो ऊपर जाके देखे तो आया नहीं सोलर सिस्टम ऐसे ऐसे अर्थ घूम रही है, उसने ज्योमेट्री यूज़ की है। तो उसने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस से आपको क्या प्रूव करके दिखाया, एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, और उसके अंदर उसे एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से प्रूव करके दिखाया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट प्रूव करने जा रहे हैं और बीच में क्या यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, या ऐसे समझते हैं एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से उसने प्रूव किया एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो भी आपने कैपलर का सेकेंड लॉ ही करना है। क्या करना है, एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो करें। मान लो एक प्लैनेट जो है वो सन के आसपास घूम रहा है, ये सन है सेंटर पे, एस लिखना है एस लिख लो यहाँ पे बुकलेट में, ये सन है और ये प्लैनेट है, प्लैनेट घूम रहा है, ये प्लैनेट कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है। एरिया स्वेप देखें, मान लो एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया, उसने एरिया स्वीप कर दिया सन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके, तो उसका पोजिशन वैक्टर यहाँ पे क्या था, आर वैक्टर था, जो पोजिशन वैक्टर है वो क्या है, वो आर वैक्टर है। फिर थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका और इसने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर ली, डेल्टा आर वेक्टर। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, क्लोजिंग वेक्टर, क्लोजिंग वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो इसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑलमोस्ट 90 डिग्री में है, ये ऑलमोस्ट टेंजेंट है इसके साथ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि एरिया तो वेक्टर है तो या तो डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पर डॉट तो लगेगा नहीं, एरिया वेक्टर तो क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये एरिया वेक्टर आ गया डेल्टा ए वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर कोई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, पर अगर कोई पूछे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या होगी, ये एरिया स्वेप्ट है, एरिया स्वेप्ट ऐसे है और इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, पूछ नहीं रहा वैसे बता रहा हूँ। तो ये एरिया वेक्टर आ गया, मुझे एरियल वेलोसिटी निकालनी है, तो दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाए, एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये टर्म आ गई। अब इसमें डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है, वी आ गया, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एम इंटू वी क्या है, पी वेक्टर, आर क्रॉस पी क्या है, एल वेक्टर। तो आपके पास एरियल वेलोसिटी क्या आ गई, डी ए बाई डी टी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी एल अपॉन टू एम, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलने से पहले एक चीज़ समझ लो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था लॉज ऑफ मोशन में, जिसके अकॉर्डिंगली एफ क्या होता है, डी पी बाई डी टी, ये होता है। अगर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, यही रूल था। सेम है एंगुलर मोमेंटम के साथ, टॉर्क क्या है, डीएल बाई डी टी। अगर कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूमता है तो मैंने तो उसको घुमाया नहीं ना जाके कि मैं तो टॉर्क लगा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगा रहा,
अपने आप ही घूम रहे, कैसे? वो बिग बैंग थ्योरी की कहानी है, अर्थ टूट प्लैनेट्स टूटे होंगे, वो उधर जा रहे होंगे, सन के चक्कर में पड़ गए और सन इसको ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, जा ये टेंजेंशियल रही थी तो ये ग्रेविटेशनल पुल इसको सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है और इसने गोल घूमना शुरू कर दिया। ठीक, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल किसने टॉर्क नहीं लगाया, तो टॉर्क एक्सटर्नल होता क्या, डी एल बाई डी टी, तो प्लैनेट का टॉर्क क्या, डी एल बाई डी टी, हमने तो कोई टॉर्क लगाया नहीं, तो टॉर्क जीरो, तो एल इज अ कॉन्स्टेंट। तो कोई भी प्लैनेट सन के आसपास जब भी घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड है। प्लैनेट कोई अर्थ हो या ना हो, कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूमेगा उसका एल हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इधर देखो, मेरा जो एरियल वेलोसिटी का रिजल्ट है वो ये आ गया। अब प्लैनेट जब सन के आसपास घूमेगा तो 2 और m तो वैसे ही कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम उसका वैसे ही कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड पूरे का पूरा कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब प्रूव करने को आएगा एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट, डायग्राम के साथ आपने सारा यहाँ तक करके आना है, कोई डाउट इसमें? अब आपने फॉर्मूला रजिस्टर में क्या नोट करना है, ओपन करो फॉर्मूला रजिस्टर इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर मार्क कर लो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला एल बाई टू एम। ये ऑब्जेक्टिव में नीट या मेंस में सीधा पूछ लिया गया था, कैपलर लॉ पे क्वेश्चन आया था कि एरियल वेलोसिटी की वैल्यू मार्क करो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर है एल बाई टू एम। अब कई लोगों ने सोचा पता नहीं कौन सा न्यूमेरिकल डाल दिया किसी ने, अब पता नहीं था कि डेरिवेशन डाली हुई है तो एनसीईआरटी की, तो एल बाई टू एम आंसर मार्क करना है, तो समझ में आ रहा है यार? और मेंस वालों ने डाला था एल बाई टू एम का फॉर्मूला, यही मार्क करना था। ठीक, तो आपने फॉर्मूलाज अभी आज कौन से किए, आपने पहला फॉर्मूला ये किया कि जो जो एल वेक्टर है वो है आर क्रॉस पी, या पहला फॉर्मूला लिखें नंबर वन। नंबर टू, एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई, दूसरा फॉर्मूला है। नंबर थ्री, एल का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा, बताया मैंने एम इंटू वी की जगह आई इंटू ओमेगा भी कर सकते हैं, तो एल के दो फॉर्मूलाज होते हैं एक्चुअल में, आर क्रॉस पी भी होता है और एल इज आई ओमेगा भी होता है, टॉर्क की तरह टॉर्क के भी दो फॉर्मूला होते हैं, एक आर क्रॉस एफ होता है और आई इंटू एल्फा भी होता है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टू एम इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ये किया। नेक्स्ट, फॉर एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन एल इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ठीक, एल इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। और लास्ट, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई टी टी, बस ये मेन फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे।